आज हमारी क्लास ASDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सर्जरी की, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा नॉट या गांठ। तो गांठ क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। गांठ लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। गांठ के प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी गांठ किस प्रकार लगाई जाती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम गांठ किसे कहते हैं। किसी धागे या अन्य पदार्थ के दोनों सिरों को यथास्थिति में रखने के लिए उन दोनों सिरों को आपस में बांध देते हैं ताकि धागा ढीला नहीं हो, और इस बांधने को ही गांठ या नॉट लगाना कहते हैं। अब देखते हैं गांठ के प्रकार कौन कौन से प्रकार है। तो गांठ के निम्न प्रकार है। नंबर एक, बोरी वाली गांठ। नंबर दो, चौकोर गांठ। नंबर तीन, शल्य चिकित्सकीय गांठ। नंबर चार, दोहरी चिकित्सकीय गांठ। ठीक है, तो पहले देखते हैं नंबर एक, बोरी वाली गांठ। ये क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। ये एक साधारण गांठ है जो बोरी के मुंह को बांधने के काम में आती है, इसीलिए इसे बोरी वाली गांठ अथवा बाइंडिंग गांठ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पहले आधी गांठ, जिसे हाफ इंच गांठ लगाते हैं, फिर दूसरी हाफ इंच उसी गांठ पर लगा देते हैं। इसमें खास बात यह है कि दोनों सिरे पहले वाले के विपरीत होता है, पहले वाले सिरे के एंटी या विपरीत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है दो नंबर, चौकोर गांठ। आज की हमारी क्लास में दो टॉपिक कंप्लीट होने वाले, एक मोच और एक नॉट या गांठ। ठीक है, तो पहले ये गांठ के बारे में देखें और फिर मोच के बारे में, स्पेनिंग के बारे में देखेंगे। चौकोर गांठ, उपनाम होता है रिप नॉट। इसमें एक सिंपल या हाफ इंच गांठ लगाते हैं, लेकिन इसमें पहली व दूसरी गांठ से सिरे एक समान होकर चौकोर आकार बनाती है, इसीलिए इसे चौकोर गांठ कहते हैं। एक नोट लिखा है इसके अंतर्गत देखिए, चौकोर गांठ शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, क्योंकि ये ढीली नहीं होती है। नंबर तीन, शल्य चिकित्सक गांठ। इस गांठ में जो पहले साधारण गांठ लगाते हैं, इसमें दो घुमाव लगाते हैं, तथा दूसरी गांठ चौकोर गांठ होती है। ये गांठ कभी भी ढीली नहीं होती है। नंबर चार, दोहरी शल्य चिकित्सक गांठ। ये क्या होती है, इसके बारे में देखें। यह शल्य चिकित्सकीय गांठ जैसी होती है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इस गांठ में तीसरी गांठ चौकोर गांठ और लगती है। अब देखते हैं गांठ लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, गांठ भी ढीली नहीं लगावे, और नहीं लगाने के बाद ढीली होनी चाहिए। गांठ हमेशा छोटी लगावे, धागे के दोनों सिरे दोनों भाग लंबे नहीं काटे। नेक्स्ट है चार नंबर पॉइंट अपना, गांठ जहाँ तक हो निडल होल्डर की सहायता से लगानी चाहिए,
ताकि गांठ आसानी से सही खिंचाव की लग सकें। नेक्स्ट अपना 5 नंबर पॉइंट है, एक गांठ लगाने पर उस पर थोड़ा दबाव रखें, दबाव रखते हुए दूसरी गांठ लगावे ताकि पहली वाली गांठ ढीली नहीं हो। तो ये था अपना नॉट या गांठ का टॉपिक था। अब हमारा टॉपिक रहेगा मोच या स्पेरिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, कारण क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, ठीक है। तो देखते हैं पहले स्पेरिंग मोच की परिभाषा क्या होती है। जॉइंट पर चोट लगने से जॉइंट से जुड़े लिगामेंट का टूट जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना मोच कहलाता है। या एक अन्य और भी परिभाषा है, किसी भी जॉइंट का डिसलोकेशन हुए बिना उसके संधि कैप्सूल में दरार आने अथवा फट जाना मोच कहलाता है। अब क्या कारण है कि मोच आ जाती है, तो पहले देखते हैं। कारण नंबर एक, पशु के कूदने, तेज दौड़ने तथा फिसलने के कारण मांसपेशियों का थक जाना, लिगामेंट का अधिक खिंचाव हो जाना। नंबर दो पॉइंट, जोड़ों की असामान्य बनावट। नंबर तीन, बाह्य चोट द्वारा लिगामेंट का फट जाना। अब लक्षण क्या दिखाई देंगे कि सिम्टम क्या है कि इसमें मोच या स्पेरिन हुआ है, तो पहले लक्षण देखेंगे, तो लक्षण देख के ही पता चलेगा। तो सिम्टम देखते हैं, जॉइंट जिसका स्पेरिन होगा वहाँ पर सूजन आ जाती है, पशु लंगड़ा कर चलता है, सूजन की जगह को दबाते हैं तो पशु दर्द महसूस करता है। नेक्स्ट अपना 4 नंबर पॉइंट, जॉइंट जिसका स्पेरिन होता है उसका कार्य अवरोध हो जाता है या इधर उधर मुड़ता नहीं है। फिर देखते हैं उपचार, इसका क्या ट्रीटमेंट है, उपचार के बारे में देखते हैं। कूल्ड वे एस्टरिजेंट की पट्टी बांधे, स्तंभक, ठीक है, एस्टरिजेंट को हिंदी में स्तंभक। नेक्स्ट है, पशु के आयोडेक्स तारपिन का तेल, मिथाइल सिलेट आदि से मालिश करें, दर्द निवारक औषधि इंजेक्शन के रूप में लगा दें तथा नेक्स्ट पॉइंट अपना हल्की कसरत प्रतिदिन करवाए। ये था आज की हमारी क्लास में दो टॉपिक, एक नॉट और एक मोच स्पेरिन, इसके बारे में पढ़ा था। इसके लक्षण स्पेरिन लक्षण देखे थे, परिभाषा क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ठीक है, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद।